अरे यार, चाबी नहीं लग रही है क्या? अच्छा, ये घर किसका है? मुझे क्या पता। तो फिर तेरे पास चाबी कहाँ से आई बे? चाबी मेरी है दोस्त। मतलब? अबे मास्टर चाबी है, कोई भी घर खोल लो। तो फिर तेरे पास चाबी कहाँ से आई? अरे बताया ना, मास्टर चाबी है। बच्चों जैसी बात मत कर। अरे यार, यहाँ पर पार्टी करेंगे तो कोई परेशान करने तो नहीं आएगा? अरे ना? यार, भूत भूत तो नहीं है यहाँ पर? अबे तू क्यों डर रहा है? अरे अरे यार, यहाँ तो एक ही बोतल है, और बोतल लेके आना। लड़की को तो तू पटा नहीं पाया, और तेरे को दो बोतल चाहिए। ऐसा नहीं है यार, तू बार बार डांटा मत। तेरे को डांट रहे कृष्णा। और नहीं तो क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे चड्डी बनियान पहनने वाला मैं छोटा सा बच्चा हूँ, टॉर्चर करके रख दिया है। अबे गधे, तू चड्डी नहीं पहनता क्या? उससे तो दूर रहना ही अच्छा है। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? वो मुझसे कैसे बात करती है पता है? उसको लगता है कि वो बहुत बड़ी हीरोइन है। सो के उठती है तो अपना मुंह भी नहीं धोती है, ऐप में अपने आप को ऐश्वर्या बना के सेव करती है। ए, ऊपर देख रहा क्या है? अरे यार, हमसे पहले कोई यहाँ आके कबड्डी खेल के गया है। अब इस माहौल में अगर कोई झमिया साथ में होती ना तो मजा आ जाता। ए भाई, तुम लोग अपना एफएम बंद करो, पहले कैंडल जलाओ, एक एक पैग मारते हैं। क्यों, क्या हुआ यार? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। ओके। क्या हुआ बे? हवा थी दोस्त, हवा। क्या यार, आग कहाँ गायब हो गई? अरे लाइट बंद हो रही है। क्या चलेगा घर में? तू क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, बता ना, ठीक तो है ना? कार बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। हम्म
माँ, मैं इतनी जल्दी किसी से शादी नहीं करने वाली। मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है। जो सोचना है सोच, अच्छा रिश्ता आया है, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी, समझी ना? मुझे टेंशन मत दो माँ, आई कांट। क्या बेटी, हा? तुम बिना डरे बोल रही हो? तुम्हारी माँ तो इतने सालों तक कुछ भी नहीं बोली। अरे माँ, स्टूपिड। ये लड़की अच्छी लग रही है। ओके 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 मैडम, आप इससे बात कीजिए। हाँ ठीक है मैडम। बेटा आ गया है। हाँ ओके मैडम, बाद में बात करते हैं। हाँ ओके ओके ओके, ये लीजिए। मैं चलता हूँ मैडम। नमस्ते सर। कौन था माँ? अरे उसे जाने दो, पहले फोटो देखो। वाओ, बहुत मस्त है माँ, किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है ना? किसी फिल्म की हीरोइन नहीं है, तेरी हीरोइन बनेगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो शादी करवाना चाहती हो? उम्र की क्या बात करता है, मेरी शादी 22 की उम्र में हुई थी और अब मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। तो क्या करूँ, भांगड़ा करूँ क्या? अरे वो तू सब छोड़ ना, अब तो 28 साल का गधा हो चुका। अच्छा? है। अच्छा, तो इस गधी की उम्र कितनी है? 7 साल छोटी है। मैं 28, वो मुझसे 7 साल छोटी है। 28 माइनस 7, हाँ मैं इतना बड़ा हो गया। अगले महीने तेरी शादी है, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, अब ये गधी तू ही पाल। अच्छी गधी कहीं की। ये ले। ये क्या है माँ? तेरे लिए वेडिंग गिफ्ट। ओ, घर है? आपने बताया नहीं लोकेशन कहाँ है। मरियूर। मरियूर बोले तो मुनर के पास वाला गांव है ना? क्यों, आसपास कोई घर नहीं मिला? क्यों नहीं, पर कहते हैं इस घर में भूत है। सस्ता बिक रहा था, मैं ले ली। तुम मेरी माँ हो, एक भूतनी से शादी करके एक भूत वाले घर में भेज रही हो? तुम्हारे शैतानी दिमाग की मैं दाद देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम दोनों वहाँ जाओ, एक दो महीने साथ में गुजारो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो वापस चेन्नई आ जाना, दोबारा सिनेमा करते रहना। ठीक है, वहाँ काम करने के लिए लोग तो होंगे ना? वो कैसे रहेंगे, भूत का घर है, कोई काम के लिए नहीं मिलेगा। जो भी करना है तुम दोनों को ही करना है। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया, क्या करूँ। ओके अच्छा, काम की बात बताना मैं भूल गई। ये घर मैंने पुजारी से खरीदा है, इसका इंटीरियर पूरा मैंने चेंज करवाया है। घर के बीच में पूजा का एक कमरा है, वहाँ आराम से पूजा कर सकते हो। उस कमरे में एक लोटा है, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तो संभल के। Ha ha!
लगता है माँ ने पूरे घर में सेंसर लगा के रखा है। हेलो, बोलो यार। क्यों यार, तू पहुंच गई क्या? हनीमून कैसे चल रहा है? बहुत ही डेंजरस है भाई। क्यों यार, क्या हो गया? बहुत एटीट्यूड है यार। क्या बोल रही? उसकी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, जंगली भैंसा लगता है। फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहा है और कार के डिक्की में से मेरा बैग निकाल कर फेंक दिया। मैं काम हो गया। मैंने भी उसके कपड़े निकाल कर रोड पर फेंक दिए। और एक बात बताओ, अपने हाथ पर 1000 रस्सी बांध कर बैठा है, एकदम बोरिंग है। मेरी बात यार माँ कब मानती है? तो फिर तू क्या करेगी? तेरा हनीमून तो बर्बाद हो गया। अबे यहाँ तो मूड ही नहीं बन रहा है, तो मैं मजा कहाँ से करूँगा? लड़की के बदले 50 किलो की आटे की बोरी भेजे हैं। रोटी तो बना के खा भी सकते हैं, लेकिन इसे खाने जाएंगे ना तो ये धीरे धीरे गले में फंसती जाएगी मेरे भाई। ए, क्यों रे, मजाक उड़ा रही है? चीची नहीं यार। अच्छा छोड़, एक दिन तेरी भी शादी होगी ना, तो चेक करना शादी लड़की से हो रही है या आटे की बोरी से हो रही है, नहीं तो सारा गांव देखकर हंसेगा। तो तू आके मुझे चुप होने के लिए मत समझाना, तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों यार, तू शराब क्यों दे रहा है? अच्छा बता, तेरी फिल्म का क्या हुआ? अगर इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे ना तो 500 दिन चलेगी, बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। मैं तो बिना काम की। अब क्या करूं यार, प्रोड्यूसर का मिलना तो बहुत मुश्किल है। एक काम करना दोस्त, अपनी माँ को प्रोड्यूसर बना दे, तू हीरो बन जा, वाइफ को हीरोइन बना दे। एक सुंदर छोटी सी बहन का कैरेक्टर रखना, उसका रेप मैं करूँगा, 4-5 सीन रख देना, फिर तुम उससे बदला लेना, फिल्म बन जाएगी। अबे ए साइड कैरेक्टर, जबान मिली है तो कुछ भी ज्ञान देगा क्या? अपने हाथ में रहे, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बाय यार, बाय बाय बाय। मुझे नींद आ रही है, कल फोन करूँ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। दोबारा ठोका ना, वाट लगा दूंगी।
हेलो ये आंख से भी थूकती है क्या? माँ ने बताया था ये पूजा रूम है। एक बड़े लोटे के बारे में भी बोली थी। माइकल जैक्सन सच में भूतनी है। आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कैसे जा रहा है देखो इसे। अब किसकी फोटो लगाने के लिए इतनी रात को खिला ठोक रहा है।
करम फूटे मेरे, रात को माइकल जैक्सन के गाने सुन रही है। छे कार्तिक, 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 भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। कार्तिक मुझे शांत 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 धीरे कार्तिक बोलो, बोलो। मुझे उस कमरे में बहुत दिखा, मैं देख कर डर गई। वो बोतल मैंने खोली ना, उसमें से भूत निकला और मैं भूत तूने देखा अब तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अब इस रूम में मुझे दो दो भूतों को झेलना पड़ेगा। कार्तिक मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में भूत देखा। ए, पागल है क्या? भूत को देखा, भूत को देखा, भूत को देखा, देखा है तो बुला, उसे मैं लाइव शूट करके ओटीटी पे रिलीज करूंगा, समझी? अरे बाप रे, चल तू तेरे रूम में चल, चल 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 नहीं, मैं हूँ ना, चल। देवा 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 तुम क्या बेच रहे हो? कुछ बेच नहीं रहा हूँ, अपने भगवान को याद कर रहा हूँ। ठीक है, देवा 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 या तो कोई भी नहीं है। वो देखो तुम्हारे पीछे। तू सच में पागल हो गई है? मेरी परछाई थी, डर मत जा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी, चाहे तो तुम नीचे सो जाओ। अरे वाह क्या बात है, अपने रूम में मैं नीचे सो जाऊं? तो लड़की है इसलिए रहम खा रहा हूँ, अपने रूम में आने दे रहा हूँ, एक कोने में सो जाना। क्या बदनसीबी है, चलो चले। अगर तुझे नीचे डर लग रहा है ना, तो ऊपर भी आके सो सकती है। मैं तुम पर भरोसा करूं? चल जा नीचे सो। तू ना बहुत भाव खा रहा है कार्तिक। हेलो एक्सक्यूज मी, बॉर्डर काय को? अरे हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बहुत चर्बी है।
लग गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काय के लिए? मुंह पे लात मार के कोई गुड मॉर्निंग बोलता है क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ कार्तिक प्लीज मेरे रूम में जाकर मेरा सामान लेकर आओगे तुम? ए अभी अभी तो सुबह हुई है, फिर तुझे भूत याद आ गया? मैं भले ही डरपोक हूँ लेकिन तुम कौन से हिम्मत वाले हो, जाकर लाकर दिखाओ। ए ठीक है ठीक है ठीक है, क्या चाहिए वो बता। ब्रश पेस्ट सोप शैम्पू टॉवल हेयर ड्रायर कोम का जल मस्कारा लिपस्टिक मॉइस्चराइजर बॉडी स्प्रे और है ना मेकअप किट आईलाइनर बैंगल्स बिंदी और मेरे कपड़े मेरा जींस मेरा टॉप और वो इम्पोर्टेंट वाला। बस बहुत हो गया। ये क्या नाटक है यार, इतना मेकअप करने के बाद लड़कियां सुंदर लगती हैं। एक दिन में मेरी शक्ल इतनी खतरनाक हो गई? तेरा पूरा रूम ही खाली कर दिया मैंने, अब जो भी चाहिए ले 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 ले। जंगली बंदर की तरह सारी पोटली बांध कर लाया है, मुझे तो ये मदारी नजर आता है। क्या बोली क्या बोली? कुछ नहीं स्वामी, जाओ। ओके। मेरी माँ ने किसको मेरे गले बांध दिया? टॉवल जादू सा चल गया दिल से। क्या है? नहीं कार्तिक, मैं ब्रश में पेस्ट लगाकर टॉवल लाने गई थी और जब मैंने वापस आकर देखा तो किसी ने ब्रश करके रखा हुआ था। मैं बहुत डर गई थी और तुम्हें बुलाने गई, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। क्या हुआ? तेरे में कोई झोल है कार्तिक। यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है, बस तेरी चक्री उल्टी चल रही है। पागल जल्दी से दांत साफ कर, चल जा आई बड़ी। भगवान जब अकल बांट रहे थे पता नहीं ये कहाँ थे। हाँ? ओ।
क्या हुआ? टॉवेल। हाँ। कार्तिक, कार्तिक। हाँ? मुझे अकेले नहाने में डर लग रहा है। हाँ। मैं दरवाजा खोलकर नहा रही हूँ, प्लीज ध्यान देना तुम। वैष्णवी, खाने के लिए कुछ है क्या? तुझे नाश्ता बनाने के लिए बोला ना? ये कौन था यार? उसकी बात सुन के मुझे भी चारों तरफ भूत दिखने लगे हैं। इसे बता दूं मेरे साथ क्या हुआ? नहीं नहीं, अगर मैंने इसे बताया तो ये मुझे पागल खाने भेज देगा। नहीं नहीं, बाथरूम में जो हुआ इसे बताऊं कि नहीं? नहीं नहीं, डर के मेरा ही सिर खाएगी, फिर कौन इसे झेलेगा? नहीं नहीं। कितना भुक्कड़ है, अकेले खा रहा है हाथी का बच्चा। देखने में केकड़ी जैसी लगती है लेकिन खाना डायनासोर की तरह खाती है। Thank you.
पहली बार कोई शेर प्रधानमंत्री बना है, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कॉफी हाथ से गिर गई। टी शर्ट पे कॉफी गिर गई, मैं जरा चेंज करके आता हूं। कहीं यही तो भूतनी बन के मुझे डरा नहीं रही है। तूने मुझे लाफा क्यों मारा? पागल हो गया है क्या? हेलो हेलो, तुझे कौन हाथ लगाएगा? हम औरतों को भूत नहीं समझते हैं। सॉरी सॉरी, माँ समझते हैं। तो फिर ये क्या है? दिस इज राइट हैंड। तुझे जूनियर केजी में नहीं पढ़ाया था? तो फिर ये क्या है? ये तेरा गाल है, गाल के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर है। सॉरी सॉरी, फेस ब्लीचिंग। हेलो, ये मैं जानती हूँ। मेरे गाल पर तेरे हाथ का निशान कैसे, बता? कोई निशान नहीं है। व्हाट? जा यार, आईने में शक्ल देख। अब देखो लड़ने आ जाती है। तेरे चक्कर में पागल बन जाऊंगा मैं। हेलो। नमस्ते मैडम, मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ। बोलो मैडम। हाँ बोल रही हूँ। मैम लोन लेंगी? दे दो। कितना चाहिए? एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, आकर 10 करोड़ रुपए दे दो। उसके बाद जब भरने का टाइम आएगा तो तुम ही भर देना। ऐसा तो नहीं हो सकता मैडम। ऐसा नहीं हो सकता, पता है ना, तो चुपचाप फोन रख दो। Hmm.
मेरे साथ क्या चलो। हाँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कुछ पहना क्यों नहीं तुमने? कार्तिक जल्दी आओ ना कार्तिक। कार्तिक किधर हो गया? अरे कहाँ लेके जा रही है? कार्तिक जल्दी चलो, तुम्हें कुछ नहीं होना है। अरे धीरे धीरे चलो। अरे मेरा फोन। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? देखो ना। हाँ फोन है फोन है। क्या हुआ? ओ भूत की पिक्चर। यही पिक्चर देख देख कर भूत 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 कर रही है। खाली दिमाग। नहीं कार्तिक ये ऑफ ही नहीं हो रहा है। कार्तिक ऑफ नहीं हो रहा है। चल मैं इसे स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ करके भी देख लिया कार्तिक लेकिन फोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। क्या बोली? मैं भी डर जाऊँ? एक बार तुम भी देख लो। अब देख बैटरी निकाल के साइड में कर दिया। बाथरूम के आईने में मुझे भूत दिखा था। कॉफी में खून भी गिरा था और भूत ने मुझे शैम्पू भी लगाया था। मैं सच बता रहा हूँ यार। अरे बाप रे इतना कुछ हो गया तुमने बताया ही नहीं। अगर मैं बता दूँ तू क्या करती? वैसे भी तू खुद इतना डरती है। अब बता मैं क्या करूँ? अरे कार्तिक बता है मैंने भी तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई है। मेरी ये उंगली नहीं ये वाली उंगली जब कट गई थी ना तो उसे भूत ने चाटा था। तेरा और भूत का खून सेम है क्या? नहीं नहीं तो अब मैं क्या करूं? तो अब करना क्या है? चलो इस घर से भाग जाते हैं ना। नहीं 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 भाग नहीं सकते भाग नहीं सकते। ये मेरी मम्मी का घर है। तो फिर रुको यहाँ पर मैं जा रही हूँ। लूजर। तुम क्या ऐसे हंस रहे हो? तू मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। ये ऊपर वाले की नहीं भूत की कृपा है। ए पागल तुम हंस रहे हो दिख नहीं रहा दरवाजा खुल नहीं रहा है मुझे बाहर जाना है उसके बारे में सोचो। मैं पागल हूँ? अच्छा इधर आ मैं एक पंडित को जानता हूँ उसे एक फोन करूंगा ना सारे भूत भगा देगा। तब तक तू चाहे तो अपने घर पे बात कर ले। मैं कैसे फोन कर सकती हूँ मेरा फोन तो डेड हो गया है ना। डेड नहीं हुआ है उसमें भी भूत घुसा है। अरे जो भी हुआ हो उसी में मेरे फैमिली कॉन्टेक्ट थे। तेरे माँ बाप का नंबर भी तुझे याद नहीं? पापा की सेल परी। ठीक है ये सब छोड़ो पहले तुम स्वामी जी को फोन करो और उनसे कहो कि जल्दी आ जाए। हाँ हेलो पंडित जी बोल रहे हैं। जिंदगी भर बस में धक्के मार कर तू चढ़ा उतरा बाइक पर बैठना नहीं आता इसीलिए तू आज गिर गया। संभाल संभाल। अरे तू 5 फीट का तो है नहीं और बाइक 10 फीट की चलाता है इसलिए मैंने बोला था कि मैं चलाता हूँ। चल चल वो जाते हुए देख लेंगे। चल पहले भूत भगाते हैं। ये क्या नाम है अजीब सा कलबली स्वामी? अरे कलबली का मतलब बिल्ली रात में देख सकती है ना ये भी रात में देखता है और बिल्ली की तरह ही पूजा पाठ करता है इसलिए इसका नाम कलबली है। हमारा वो तारक वाला मंत्र सुन के भूत पतली गली से निकल जाएगा। हाँ ठीक है। ना स्वामी हम अपना भजन शुरू करें। शुरू करो शुरू करो।
अचिम्बड़की पिम्बड़की जम्बा जम्बा अचिम्बड़की पिम्बड़की जम्बा जम्बा अचिम्बड़की पिम्बड़की जम्बा जम्बा अचिम्बड़की पिम्बड़की जम्बा जम्बा चिम्बड़की पिम्बड़की जम्बा। क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों बंद है? स्वामी, लगता है वो हमारी ओरिजिनल डिटेल को जानकर खुद ही घर छोड़ के भाग गया। अरे, उनका फोन नंबर तो है ना? है ना? तो फोन करो। एंड्राइड मोबाइल से फोन करो। पंडित जी लाइन पे है, दरवाजा खुल गया। बोलिए स्वामी जी। नमस्ते, मैं कलबली स्वामी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं और स्वामी काफी देर से तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, आके दरवाजा खोलो। आपने दरवाजा खोल दिया स्वामी। जय स्वामी, जय कलबली स्वामी। दरवाजा खोल दिया बाहर से ही, लगता है बहुत पावरफुल स्वामी है। मुझे तो लगता है ये पागल है स्वामी। बंद दरवाजे को खुला हुआ कह रहा है। स्वामी जी दरवाजा खोलिए। अरे भाई, अंदर तो तुम हो ना, तो दरवाजा तो तुम ही खोलोगे। अरे मजाक मत करिए स्वामी जी, बेडरूम का दरवाजा तो आपने खोला था ना, तो फिर ये भी खोलो ना। क्या स्वामी जी, आपने उनके बेडरूम का दरवाजा खोल के कुछ देखा क्या? क्या ये सब, ए दरवाजा खोल यार। खोलिए स्वामी जी, खोलिए। ये कोई जीप का दरवाजा है क्या, जो अपने आप खुलेगा और अपने आप बंद होगा? क्या मजाक है, खोलो ना यार। ये क्या, दरवाजा अपने आप बंद हो गया? वो छोड़ो स्वामी, हवा से हुआ होगा। हवा? हवा? हाँ। स्वामी का पावर देखा, दरवाजा खुद खुल रहा है, दरवाजा खुद बंद हो रहा है। अब तू तो क्या, इस घर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। हाँ? क्या स्वामी, बड़े स्वामी बन गए, आपकी तो फ्री में मार्केटिंग हो रही है। मेरी मानो गुरुजी, हम लोग फालतू में टेंशन लेते हैं, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सही, अब आपने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया है। इस घर में तुम लोगों ने चिकन बनाकर खाया है। चांस ही नहीं है स्वामी, आज तो डोसा और टमाटर की चटनी थी। ए, मैंने चिकन बनाकर खाया था। व्हाट, मुझे नहीं खिलाया? मैं तेरी शेफ हूँ क्या? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आइए स्वामी जी, आइए। आजा। बस अभी आए स्वामी जी। बोल। मुझे दिए बिना चिकन अकेली खा गई? कौन है तू, मैं तुझे चिकन क्यों खिलाऊं? मैं तेरा पति हूँ। ये मंगलसूत्र बांधे तो पति हो गया क्या? हुँ? हुँ? तेरी इतनी हिम्मत, अपने पति को हाथ लगाया? मुझे हाथ लगा तूने? देखता हूँ तुझे। अरे क्या चल रहा है स्वामी जी, देखो ना, दोनों कंजूस पति पत्नी चिकन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, उसने चिकन बनाया और अकेले खा गई, ये पति को पसंद नहीं था इसलिए लड़ाई हो रही है। अगर आप चाहो तो पूछ लो। क्या स्वामी जी, इन दोनों की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में इन्हें भूत ने पकड़ लिया होगा। अब क्या करेंगे स्वामी जी? ये भी ले। अरे पागल, तू ऐसी बात क्यों करता है, कुछ भी नहीं होने वाला, तू बिल्कुल मत डर। जब हम अंदर आए थे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था ना, उसी समय मैं समझ गया था। क्या समझा? कि आज हमें बहुत पढ़ने वाली है।
सॉरी स्वामी जी, थोड़ा चिकन का मैटर था। आप दोनों को देखकर ये मैटर छोटा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा मैटर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी, जिस तरह से आपने पता लगा लिया था कि हमारे घर में चिकन बना है, हमें भरोसा है कि आप भूत को भी भगा देंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ? नहीं, अभी तक हम दोनों पर किसी ने इतना भरोसा नहीं किया, अब हम लोगों को इनके घर से भूत को भगाना ही पड़ेगा। आप क्या कहते हो, भूत भगाएंगे ना? पर कैसे पकाएंगे? वो बाद में सोचते हैं, पहले आप नीचे तो बैठिए। अरे 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 नहीं छेला, दुबला पतला हूँ ना, इसलिए यहाँ पर सेट हो गया था। सेट हो गए थे ना, अब एक काम करो, तुम यहाँ बैठो और तुम उधर बैठो। यार डायरेक्टर, यहाँ पर पूजा का सेट लगा। ए छेला आजा। ए छेला तू गया कहाँ था? छोटा सा ब्रेक था स्वामी, भूत देखकर डरना नहीं चाहिए ना, इसीलिए फ्रेश होने बाथरूम में चला गया था, अब सब ठीक है। ए वो मुझे दे। दे दो ना स्वामी। अरे वो दे यार। अरे दे दो ना स्वामी। अरे पागल, जो तेरे हाथ में वो मांग रहा हूँ वो दे। अरे मेरा लेफ्ट हैंड बहुत बिजी है ना, खुद निकाल लो, राइट हैंड दे तो रहा हूँ। रुक रुक, घर चल तब बताता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, घर पे क्या बताओगे? रात का नशा भी सुबह तक उतरा नहीं। आहा आहा, तू आजा रानी, ओह ओह, ये दिन तेरे लिए। ओह ओह, क्या गाना सेलेक्ट किया? तू भाग यहाँ से। आहा आहा, सुबह तक उतरा नहीं। आओ यहाँ आकर बैठ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं। अरे आओ ना यार, यहाँ आकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। इस पर कौन आया है स्वामी जी? अरे स्वामी जी के ऊपर इस घर का भूत ही तो आया है। अरे भूत कहाँ? अरे भाई डरने की जरूरत नहीं, जब तक स्वामी जी हैं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए भूत, लुच्चे लफंगे, हर गांव में खा खा के अब यहाँ पर लूटने आया है। बेटा तू तो गया। ए सूखी मच्छी, मुंडी क्या हिला रहा है, क्या नाम है तेरा? कांचना। कांचना फिल्म के अंदर से नाम रख लिया क्या बे? कौन सा कांचना है तू? कांचना वन है या कांचना टू है? लॉरेंस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया, और एक तू है, बिना स्वाद के करेले के शरबत के जैसे कांचना है, कांचना। सच बता तेरा नाम क्या है? मैं फिल्म वाला कांचना नहीं। हाँ? मैं मणिपुर का असली कांचना हूँ। ठीक है, तुझे क्या चाहिए? जिन जिन लोगों ने मुझसे उधार लिया था वो वापस चाहिए। ऐसे कितने लोगों ने तुझसे उधार लिया था? अगर तेरा पैसा सेटल कर दें तो तू ये घर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा? चला जाऊंगा। ठीक है, तो तुझे जो चाहिए वो बता दे, ये लोग दे देंगे। ओके है ना? ओके ओके, डबल ओके। क्या क्या चाहिए बोलना। अरे इसकी लिस्ट पकड़ो भाई। इधर दो मुझे, तुम लोग तो पढ़ भी नहीं पाओगे, मुझे दो। ए दलिंदर कहीं के घोचू, चावल की दुकान का 10,000 होता है ना, 6,000 लिखा है। गलती हो गई, माफ कर दे। ये बात आप कैसे जानते हैं स्वामी जी? इसे कहते हैं ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। ये मुझे नकली लग रहा है। लगने दो। जिन लोगों ने मारा उसका बदला लेने में 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक मैं बिल देते रहूंगा, तुम लोग उसे सेटल करते रहना। दूध वाला, पेपर वाला, किराने वाला, सब्जी वाला, इन सब का पैसा सेटल करना होगा।
हर महीने पैसे देते रहना, अगर तुम लोगों ने पैसे देने में देर की तो मैं वापस आऊंगा और फिर तुम लोगों को बहुत तंग करूंगा। तू वहां क्यों चला गया? अरे अपने राइट साइड में देखो भाई, ओरिजिनल भूत आ गया, भूत। ये तो दो है, आज तो स्वामी जी डबल पड़ेगी। टन टना 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 तो बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा। ये सब कुछ काम का नहीं है, मैं सब कुछ अपनी माँ को बताऊंगी। तेरा फोन तो डेड है ना, भूत को देख के तुझे तेरे माँ का नंबर याद हो गया? तुम्हारा फोन तो काम कर रहा है, तुम्हारे पास जरूर मेरे किसी घर वाले का नंबर होगा, मैं उसी नंबर पर बात कर लूंगी। तू फालतू बात मत कर, अगर तू ये सब बताएगी तो तुझे पता है सारी दुनिया हम पर हंसेगी। नेट पे से किसी दूसरे स्वामी को बुलाते हैं। वापस किसी फालतू स्वामी को तुम मत बुला लेना, इस बार मैं सिलेक्ट करूंगी किस स्वामी को बुलाना है। ठीक है, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ। वाओ रजनी सर, ये भूत भगाएंगे। अरे पागल, ये रजनी सर जैसा दिखता है, इसका नाम तो श्रवण है, बहुत बिजी आदमी है, इनका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, इनकी डेट्स तो 2030 तक बुक है, तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो नजर भाई है, जब लॉरेंस सर के घर में भूत आया था तो उनके घर में भूत को इन्होंने ही भगाया था, ये भी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। ये है मास, वेरी हैंडसम मैन। इसने भूतों को तो भगाया ही, लेकिन 10 भूतों को वश में करके इसने उनसे चोरी करवाई और देश से बाहर भाग गया। इसको इसके पिताजी ने सुधारा। जब इसके पिताजी को पता चला कि ये सब ऐसे इनलीगल काम करता है, तो उन्होंने हवन करवा के उसके भूतों को इसके चुंगल से हटा दिया। आदमी तो काम का है, पर भूतों के मामले में सही नहीं है। तो फिर भूत भगाएगा कौन? यस, यही भूत भगाने के लिए सही आदमी है। अगर ऐसा है तो इनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर। ये तो हमेशा फ्री रहता है, लेकिन आज बिजी है, कल का मॉर्निंग अपॉइंटमेंट खाली है। हो गया। अच्छा ये ठीक है, लेकिन आज रात अपन क्या करेंगे? रात को ना, तो कोई डोरबेल भी दिख नहीं रही है। हाँ है। रुक रुक, कहाँ जा रही है?
जिसे आना होगा वो अपने आप ही आएगा। तू क्यों जा रही है? तू जाके क्या कर लेगी? बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मुझे एक डाउट है। भूत ही सबको अंदर भी बुला रहा है और बाहर भी भेज रहा है, तो फिर हमें बाहर क्यों नहीं जाने देता है? भूत को तुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, इसलिए जाने नहीं दे रहा है। चुप कर। मेरे घर में ये क्या चल रहा है? आप यहाँ खड़े हो फिर भी हम तीनों कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं हो सकता। तुम फ्री हो? हाँ। अगर तुम फ्री हो तो इसे अंदर लेके चलो और रूम में आराम से हंसो। ये क्या बॉस, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तेरा मजाक नहीं उड़ाओ तो तेरी बेटी का मजाक उड़ाऊं क्या? मेरी बेटी बहुत छोटी है पर एक मस्त भाभी है, मिलवाओ क्या? अबे अपनी भाभी को खुद ही संभाल बूढ़े। बिना काम के क्यों काउंटर दे रहे हो? अंदर आइए ना सर। यू आर गुड। पहले ऊपर चले। अबे ये बदसूरत शक्ल वाला बुढ़ा भूत को क्या भगाएगा? चलो अब इसकी भी नौटंकी देखते हैं। इसी रूम में भूत है सर। ये आवाज कैसी है? अच्छा ये रूम किसका है? ये रूम तो मेरा है। तुम्हें भूतनी हो? नाइस टू मीट यू। नहीं मैं भूतनी नहीं हूँ, भूत तो मेरे कमरे में ठहरा है। भाड़ा ले लिया क्या? हंस क्यों रही है? अरे ये नौटंकी कर रहा और ये पागल हंस रही है। अगर ये लड़कियां फालतू लोगों को भाव देना बंद कर दें तभी ये देश तरक्की करेगा। पूरे रूम में कैमरा फिट करना पड़ेगा, उसके बाद भूत पर नजर रखेंगे। आओ चलो। हाँ। अभी क्या करना है? वाईफाई सीसीटीवी कैमरा से रूम को कनेक्ट करेंगे। ये जगह ओके है, छू भी नहीं पा रहा हूं, कितना ऊंचा है। मुझे योगा करना चाहिए। भाई जरा स्टूल लेके आना। वेरी गुड। अब उस तरफ खड़े होकर तमाशा देखो। मैं आगे का काम करता हूं। स्टूल पे खड़े होकर भी पहुंच नहीं पा रहा हूं, अब कैसे लटकाऊं? भाई किसको बुला? आपको ही बुला रहा हूं भाई। मैं तेरा भाई हूँ। हाँ मेरा भाई। मेरे बाप के साथ तुझे खड़ा कर दूं तो 2 साल बड़ा तू लगेगा और मैं तेरा भाई हूँ। लेकिन तेरे बगल में अगर मैं खड़ा रहूंगा तो तू 2 साल बड़ा लगेगा, समझा? सुन लिया जवाब? अब इधर आ, भाव मत खा, कैमरा टांग दे, चल आना। हाँ मेरे भाई, आजा आजा। चलना। देख क्या रहा है, लगा दे। मैडम जरा बैग देना। थैंक यू। अभी बाजू में चलते। अच्छा। आई थिंक इस रूम में भी भूत के लक्षण दिख रहे हैं, क्या बोलती हो? हाँ सर, इस रूम में भूत है, अभी भी हमारे साथ चल रहा है। दो दिन पहले तक इसी रूम में थी, अभी ये टी शर्ट पहन के तेरे बाजू में खड़ी है। ए, तू मुझे भूत बोल रहा है? तूने भी तो मुझे कुछ कहा था ना। हेलो, तू भूत की तरह पैंट शर्ट पहन के घूमता रहता है। अपनी बात करना, रात में मेकअप पोत के भूतनी की तरह घूमती रहती है। मेरे बारे में बोला ना, तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। अरे रुक जाओ ना, तुम लोगों की लड़ाई देख के भूत भाग जाएगा तो फिर मेरे आने का क्या फायदा? दोनों लेफ्ट राइट हो गए, ये क्या चल रहा है? ए भाई मेरी बात तो सुनना भाई,
एक दूसरा कैमरा भी वहाँ कोने में लगाना है। नहीं है, चल निकल। नहीं लगेगा। हाँ बे, तू मेरा भाई है ना, तो बुरा क्यों मानता है? चल निकल। लगा देना। नहीं, लगा देना भाई। इसने तुझे बुलाया है, इसको बोल करने को। तू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहा है क्या? बस 2 इंच तो बड़ा है और इतनी चर्बी। आप मुझे दीजिए, मैं टांग दूंगी। ये ले। ये तो भूत भगाने आया है, लेकिन मेरी बीवी के पीछे पड़ा है। इस रूम में उस झाड़ी के पीछे से भूत निकला था। यहाँ पूजा का सेटअप बनाया था। क्यों, आप भगवान पर भरोसा नहीं करते? भगवान पर भरोसा नहीं, लेकिन भगवान पे ही भरोसा करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ भगवान के भरोसे ही करती हूँ। इसे ले और सीधा वहाँ साइड पे टांग दो। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, डन डन। आओ बगल में सीसीटीवी में देखते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, फॉलो मी। आओ। हम हर कमरे पे नजर रखेंगे। सुनना भाई, हैं? अभी ये हिली थी ना? हाँ, तो तूने तो हर मोमेंट पे नजर रखने के लिए कहा था। तू बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहा है? चुपचाप यहाँ देख। हमारे पीछे कोई खड़ा था क्या? खड़ा था। ये देख, 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 जुबर हिल रहा है। ये भूत नहीं है, ये तो हवा से हिल रहा है। हवा हो या कुछ भी हो, ये शक्ति की वजह से हिल रहा है। हे भगवान, इनको ऊपर से भेजते वक्त दिमाग देना भूल गया था क्या? तलिंदर क्यों चिल्ला रहा है, मरवाएगा क्या? ऐसा नहीं बॉस, एक कमरे का कनेक्शन कट गया है। मुझे लग रहा है भूत हर रूम में ट्रैवल कर रहा है। अबे वो भूत ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो तो पीछे बैठकर मार कट कर रहा है। तू मेरे साथ खेल रहा है? रुक रुक रुक, मैं आया। क्या करता हूँ? हाँ, ये दबाता हूँ। तू मुझे परेशान करेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख मैं क्या करता हूं।
रुक जा, इसके अंदर आ जा, यहाँ जा। भूत इसमें उतरेगा तो कैसे पता चलेगा? जब भूत आएगा तो ये कॉइन खड़ा हो जाएगा, और अगर भूत नहीं आया द कॉइन नो में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? और नहीं आएगा। अब ये भूत क्या करेगा पता नहीं। मिस्टर घोष, इस घर में कोई और भी घोष्ट है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं बताता हूँ, है लेकिन नहीं है, ये मतलब है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा मैटर है। अब मैं कुछ करता हूँ। भूत से ज्यादा तो ये डरा रहा है। जाकर देखो ना, चलो। प्रॉब्लम नहीं है, तू ये घर छोड़ दे। मैं ये घर नहीं छोड़ सकता, तुम लोग मेरी प्रॉब्लम बन गए हो। तेरा जोक अच्छा है, सीधा निकल जा वरना चप्पल से मार खाएगा। बोलना मत कि बताया नहीं, बोला ना निकल जा। नहीं जाएगा, इसके बाद तू यहाँ नजर नहीं आएगा। मैंने अपनी माँ को मना किया था, इस भूतनी के साथ शादी मत करवा। हद है। ए, शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तू तेरा घर और तेरे घर में रहने वाले भूत से प्रॉब्लम हुआ है। तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है, जिसे तूने भूत भगाने के लिए बुलाया था वो भाग गया ना, उसे क्यों नहीं बोली? ये बात तो मैं भूल ही गई। वीडियो देखे क्या? ये वाला? कोई तो वीडियो देखना पड़ेगा ना, बहुत डर लग रहा है। ए, रुक रुक रुक, इसको प्ले कर। बहुत
बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। ब्लैक शर्ट पहनने वाले कहते हैं कि जमीन पर भगवान नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कह दे कि अंधेरे में भूत है तो वो डर जाते हैं। ब्लैक शर्ट वालों को डर नहीं लगता क्या? गुड क्वेश्चन। हर तरह के लोग डरते हैं, पर सच्चाई क्या है? भूत की ताकत होती है हमारा और आपका डर। एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, यही तो डर को भगाने वाला मूल मंत्र है। ना एक्सेप्ट करने वाली बात को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो हम डरेंगे ही। भूत हमें सामने से डराने के लिए कभी नहीं आता, सिर्फ उसके बारे में सोचते ही हमें डर लगने लगता है। जैसे छिपकली आपके सर पर आती है और आप डरने लगते हैं, ठीक वैसे ही। देखो, मैं शमशान घाट में अकेला हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। सच बताऊं तो इस शमशान घाट में भूत भूत रहते ही नहीं, उनकी जान जहां निकलती है वो वहीं घूमते रहते हैं। डर क्या है? भूख, प्यास, खुशी, गुस्सा, नींद, एक प्रकार की हमारे अंदर की फीलिंग। अगर आप भूत से नहीं डरे तो भूत की क्या औकात है? अभी मेरे सामने से भूत जाएगा। ये भूतनी है, मुझे डर नहीं लगा। भूत से नहीं डरना। फिलिप्स, बहुत हो गया फिलिप्स। भूत क्या है पहले वो समझ लीजिए। आज जो इंसान जिंदा है उसकी चाहत अगर पूरी नहीं हुई और वो मर जाए तो वो भटकता है। दूसरी बात मैं कहूँ तो पक्षियों की तरह भूत अकेलापन कभी पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल हमारी तरह। खाली पड़े घरों में, गांव के बाहर के पेड़ों पर, रात में टेरिस पर, ऐसी जगहों पर उन्हें ज्यादा ही छूट मिलती है। अगर उनकी जगह पर हम जाकर बिना सोचे समझे उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने का परिणाम क्या होगा? तो भूत भी हमें डिस्टर्ब ही करेंगे। अचानक ऊंची आवाज आना, बर्तनों को उठा के फेंकना, रोना, ये आवाज सुनने के बाद दिल में डर उठता है। पर हमें डरना नहीं चाहिए। फिलिप्स, अब मुझे सिखाओगे? ओके। भूत हमारा असली परिमाण है। इंसान जैसे जिंदा लोगों को फेस करता है, वैसे मरे हुए लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। अगर भूत आपके सामने खड़ा है तो उसे हाय हेलो कह के शॉक दीजिए, उन्हें कंफ्यूज कर दीजिए कि हम उन्हें भूत मान रहे हैं कि नहीं, हम तो उनसे डर ही नहीं रहे हैं। तो इसके बाद आप उन्हें डोमिनेट करने लगोगे। सर, ये डोमिनेट क्या होता है? तुम थोड़ा झुको तो। इसे कहते हैं डोमिनेट। आपके दिल में अगर किसी बात का डर है तो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं। हिम्मत से भूत के साथ दोस्ती कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि वही भूत आपसे कितना डरने लगेगा। भगवान का दूत बनके भूत से भी खतरनाक कुछ लोग इस धरती पर घूम रहे हैं। अगर आप उन्हें संभाल ले तो भूत तो कुछ भी नहीं। भगवान है कहने वाले, भगवान नहीं है कहने वाले, मैं भगवान हूँ कहने वाले, इन सबको डरना ही चाहिए। आनंद लो, भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूत की फिल्म देख के डरो, पर भूत देखकर कभी मत डरो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिर्फ ये मंत्र याद रखिएगा, उसके बाद आपको कभी भूत से डर नहीं लगेगा। वो क्या है कि भूत है तो क्या डरो? करेंगे कार्तिक? हाँ? अब घर से बाहर जाएंगे क्या? नहीं, भूत को भगा दूंगा। We'll be right back.
असली खेल शुरू। दांत साफ कर, पकड़। मुंह से कितनी बदबू आ रही है। बड़ा पसंद है। अरे अरे अरे, भूत होकर इतना खून बह रहा है। छे, रुक जा। ये देख, हिल मत। अब हुई ना अच्छी बात। चाय बहुत बकवास है, इससे अच्छा तुम्हें तेरा खून पी जाती है। इसलिए जल्दी मर गई। हटना, वो भी देख, बाहर बहुत गर्म है इसलिए अंदर बैठे हो क्या? ठीक है अंदर ही रहो। वैशु डार्लिंग, क्या है? जरा इसे ठीक करो।
ये तो डर ही नहीं रहे। तो मेरी ककड़ी खाएगी पागल। अभिया, इन दोनों में भूतनी कौन है समझ में नहीं आ रहा है। बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वेरी डेंजर। चल कल्टी मार। हम भूत हैं, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, उन्हें हमसे डरना चाहिए, समझी ना? चुप कर। इंसान मर जाता है, मर कर भूत बनता है, लेकिन उसके अंदर का डर नहीं मरता। भूतों के सामने जरा मजाक उड़ा रही है, चल बताता हूँ। अरे कार्तिक, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज बुरा मत मानो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है फिर भी नाटक कर रही है। ए, खोल कर अंदर आ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तेरा सॉरी नहीं चाहिए, चल हट। पूरा दिन हमें सताया और अब चैन से सो रहे हैं। सुन, कान इधर ला। तो ये मुझे झाड़ू से मार रही थी। एक बार सॉरी बोला था ना, दोबारा सॉरी बोलू क्या? मैंने उसके लिए नहीं फेंका, तूने झाड़ू से क्यों मारा? मैंने तुझे झाड़ू से नहीं मारा। तो फिर वो क्या है? मेरे हाथ में झाड़ू, इसका मतलब मैंने झाड़ू से मारा? हाँ मारा। ए, मैंने झाड़ू से तुझे पहले नहीं मारा, लेकिन अब मारूंगी। अपना कैमरा लगा है ना, चल उसमें देखते हैं, चला जा।
हमारी गलती है। क्या बोला? हमारी गलती है? नहीं तो क्या, हमने दिन भर उनको तंग किया तो फिर रात तो उनकी है ना, रात में उनमें एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। सो आज रात भर वो लोग हमें तंग करेंगे। अरे रे रे, तो सो नहीं पाएंगे क्या? अरे पागल, रोज सोना जरूरी है क्या? ठीक है, ओके, तुम नीचे जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे तो तुमने पूरा भिगा दिया पागल। चल ठीक है। देवी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इससे बचाओ। मैं आपका भक्त हूँ ना, श्रावण मास में पूरे एक महीना मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगा। मुझे बड़ी तो हंस रही थी, आप देखा, तुझे भी बड़ी ना। क्या? भूतनी, इधर आ, बोला ना। बाजू में थी। क्या है? डरा क्यों रही है? जो भी है प्यार से बोलना। ए सुनना, एक चीज पूछूं? हाँ पूछना। तू मेल भूत है या फीमेल भूत है? अबे देख के पता नहीं चलता, मैं फीमेल भूत हूँ। अरे पागल, आजकल तो फिल्म नहीं देखती क्या? जो मेल भूत होते हैं ना, वो भी ऐसे ही गेटअप में रहते हैं, ऊपर से इफेक्ट भी मिलता है। अच्छा बता, जब तू भूतनी है तो बिना काम के इतने सारे कपड़े पहन के क्यों घूमती है? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? नहीं। एक मिनट रुक। आ गया फिर से परेशान करने। तू हवा तो अच्छी मार रहा है, लेकिन फैन तो है। ये पकड़, पहन ले। मैं नहीं पहनूंगी, ये तेरी वाइफ का है। सही बात है, ये तो मैं वाइफ के लिए ही लाया था। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। उसे ड्रेस पहनाने से अच्छा है तू इसे पहन ले। ले पहन ले। ए, नहीं पहनूंगी, जाना। तू भी मुझे पसंद नहीं करती क्या? ला पहन लेती हूँ। पहन पहन। क्या देख रही है?
मैं देख लूंगा। समझ गया समझ गया। अब आग खोल ले। पहन भी लिया। गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनेगा। तुझे मेरी नजर ना लग जाए। मुझे एक बात बता। आ इधर बैठ। भूतनी की तरह बाल खुले रख के घूमती है क्या है सर? मैं भूतनी तो हूँ। चुप चुप चुप। बढ़िया भूतनी। स्टैंड अप स्टैंड अप। सब कुछ तो ठीक है तो कमी किस चीज की है? राइट 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 राइट। 750 स्पेयर पार्ट्स लगा के घूमती हो। लेके आया। बंदर की तरह ऊपर चढ़कर क्या बैठा है? रुक तुझे अभी बताती हूँ मैं। घूमता रहे। डन डन। आ बैठ जा। वाटर स्प्रे। चल बहुत हो गया बहुत हो गया। बैठ जा। ये क्या कर रहे हो? सिग्नल सर्च कर रहे हो? सेल्फी ले रहा हूँ। तू सेल्फी में नहीं आ रही है, धोखा दे रही है मुझे। नहीं नहीं मैं तो मर चुकी हूँ ना। हाँ। मेरी फोटो नहीं आएगी। हाँ। एक मिनट। ये क्या है? चिकन। मुर्गा। हाँ सही मुर्गा। नहीं मरा हुआ मुर्गा। अब देख दिखा ना। जब मरा हुआ मुर्गा दिख सकता है तो एक मरी हुई लड़की क्यों नहीं दिख सकती है? वो सब छोड़। जब हमारे गांव में भूतनी आती है ना तो पायल छन छन बजती है। तेरी पायल क्यों नहीं बजती बता? अरे वो सब परिया होती है, इसलिए वो जब चलती है तो आवाज आती है। हैं?
तू भी तो परी है यार, आज तुझे मैं पायल पहना देता हूँ। पायल पहनेगी ना? हाँ, गांव में बोलते हैं कि भूतनी के पैर उल्टे होते हैं, इन गधों को तो कुछ पता ही नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं। ये इस पैर का है। अच्छा सुनना, तेरा नाम तो बता। छोड़ना, कब से भूत भूत बोल रहे हैं, अब तू वही बुला। कितना भाव खाती है? गीता। ओ गीता, क्या है? कुछ नहीं, चेक कर रहा था। ए सुनना, मैंने तेरा लुक चेंज कर दिया ना, तो मेरे लिए एक गाना गाना। कौन सा गाना? जो मुझे पसंद है। क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही। ये खाके फिर गाओ, खुल जाएगा गला। जब से तुझे पालिया, जब से तुझे पालिया, जब से तुझे पालिया। ए छिछी बंद कर, जब से देख रहा हूँ पालिया 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 गा रही है। ये नहीं, दूसरा वाला का। खाऊंगी तुझको, कब तक बचेगा बकरे, तुझको खाके रहूंगी, बरसों से प्यासी हूँ, तेरा खून पीऊंगी, तू आया है मेरे लिए, तुझे पता है। नहीं नहीं, ये भी नहीं। इतनी मुश्किल से मैंने तुझे भूत से निकाल के हीरोइन बनाया, फिर तू ओरिजिनल कैरेक्टर में जा रही है, इसलिए पार्ट 2, 3, 4 बनाते हैं, पब्लिक डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा कुछ रोमांटिक वाला गाना। वहाँ क्या देख रही है? तुम्हें जो मैंने पा लिया, दिल धड़कने लगा। ओ मेरे लिए है, सुपर सुपर, गाओ गाओ गाओ। चैन दिल का यूं जाने क्यों खोने लगा। गीता मेरे पास आ। तू भूतनी है, तुझे मेरी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरी हर बात मानती है, बहुत संस्कारी है, और जिसे शादी करके लेके आया हूँ वो भूतनी है। जब से आया हूँ तब से पागल बना के छोड़ा है, हमेशा लड़ती रहती है। अब तू ही बता, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसके साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं क्या? जरा मुझे देख, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? दिमाग नहीं है, देख 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 देख, बॉडी नहीं है, आखिर किस चीज की कमी है? सब है, सब कुछ ठीक है ना, तो वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? खैर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ ही जीऊंगा, अपनी आखिरी सांस तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूं। दबाने का मन कर रहा है? ओके ओके, अच्छे से दबाओ, गुड नाइट। हाय, हैप्पी बर्थडे। Ha ha ha.
क्यों क्यों हंस रही हो? कार्तिक के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? वो छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में सो गया था। पागल बेचारा बहुत देर तक रो रहा था, कह रहा था मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब उसे कौन समझाए मैं भूतनी हूँ। हाँ, वैष्णवी भी बच्ची है, बहुत ही साफ दिल की है। सो अब मैं उसे कभी नहीं डराऊंगा। मैं भी नहीं डराऊंगी, बट मैं उन दोनों को मिलवाऊंगी। ओके ओके। ए, कहाँ जा रही हो? कार्तिक के पास। अरे मुझे लगता है वो भूत तुझे पसंद करने लगा है। तब तो दरवाजा खुल गया होगा। आ देखते हैं। अरे खुल गया। मैं तो चली। पगली खुशी के मारे पागल हो गई है। चल दरवाजा खुल गया है, अपने अपने घर चलते हैं। अब दरवाजा खुल गया है तो क्यों चले? मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम क्या सोच रहे हो? हम दोनों मिलकर कितने दिन से उनका ख्याल रख रहे हैं, पर वो दोनों मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसे तो वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। हाँ सच है। सच है ना? कुछ भी करके उन दोनों को मिलाना होगा, पर कैसे? ए, एक काम करें। हाँ बोलो। वही जो हम रोज करते हैं। छी। आखिर तुम भी मर्द ही हो ना, और क्या सोचोगे? नहीं गीता, हमारी छोड़ो, अगर इन दोनों के बीच में संबंध बन जाए तो दोनों की जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। अब जाके तुम कुछ काम की बात किए। अच्छा एक काम करे क्या, उन पे अप्लाई करे क्या? वो क्या? अरे वही यार, मैजिक मैजिक। ओ, उसके लिए तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। चाहे तो यार, पर
सांसों से थी तेरी कमी, दूर ना हो ये जज्बात, आँखों के मिल रहना मुश्किल, प्यासे तन में लगी है आग, रहना क्यों गुमसुम दिल में जो हो तुम, परसो जी परसो दिल चाहे यही तो, आँखों की नींदे उड़ने लगी है, तुम क्या ये चाहे बस दिल की ही सुनो। बदन इतना दर्द क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बाप रे, हो गया? पर कैसे रे? बाप रे, क्या किया मेरे साथ? मेरी इज्जत लूट लिया? मैं लूट गया। अरे पागल, लड़कों की इज्जत नहीं लूटती है, लड़कियों की लूटती है। मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। तू मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहा है ना? ए, मैंने तेरे साथ थोड़ी कुछ किया। तू चुप हो जा, हाँ? नहीं तो मेरे मुंह से अच्छा खासा सुनेगा। सच में मैं कुछ नहीं जानता कि तेरे साथ क्या किया। नहीं जानता? अभी सब समझ में आएगा। क्या है? सीसीटीवी। मैं जाके देखूं कि कल मेरी इज्जत कैसे लूटी। तू खुद जाके देख। अभी भी तू नाटक कर रहा है? आ, तुझे बताती हूँ कि नाटक क्या होता है। चल। यहाँ पे काहे के लिए रुका? आ तो गए हम लोग। ये क्या घटिया ड्रेस पहना है? वो तो मैंने अर्जेंट में पहन लिया। तू चलना चलना, अपना काम कर। ठीक है। ये नहीं, रात का, रात का।
अब इन भूतों को मैं एक मिनट भी नहीं झेलूंगी। मैं मम्मी के घर पहुंचने के बाद क्या करती हूँ देखना। अब घर पे जाके क्या करेगी? घर पे जाके मैं क्या करूंगी? ए, माफ कर माफ कर, तू जा घर जा घर जा, जा। घर में है। ओ, तुम भी आ गए? बहुत मार खाओगे, जाओ यहाँ से। इस घर में अदृश्य शक्तियाँ हैं, एक नहीं दो दो हैं। ओ, तो तुम ये सब कैसे जानते हो? वो ना, इस तरह से अदृश्य शक्ति की बास बाहर तक आती है। ये अदृश्य शक्ति की बास नहीं है, तेरे मुंह की बास है, साफ भी नहीं करता। छे ए लड़की, मैं सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। कौन है तू? उन्हें पकड़ लेगा, तुझ पर मैं भरोसा करूँ? तेरे से पहले जो तांत्रिक आए थे वो मार खा कर गए, उसके बाद तू मुंह उठाकर चला आया। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, बस सिल्क ड्रेस पहन लूंगा तो मंदिर में बैठना ही काफी है, पता है ना? भीख मिल जाता है क्या भाई? मजाक मत उड़ा, मैं आ गया हूँ ना, अब यहाँ के दोनों भूत कैसे परिवार चलाते हैं देखता हूँ। क्या देखेगा, परिवार तो वैसे भी नहीं चल रहा है। वो भी देखूंगा। कार्तिक, जो भी आता है कहता है कि इस घर में भूत है, सिर्फ यही एक है जिन्होंने कहा कि घर में दो भूत है। मुझे तो लगता है हो ना हो ये सच में स्वामी है, इन पर भरोसा करना चाहिए। ये लड़की समझदार है, बस देखने में नहीं लगती। तू तो सच बोल रही है, लेकिन इसकी शक्ल और बॉडी देख के आदमी सही नहीं लग रहा है। सुन भाई, उस भूत को बुलाऊंगा, उसके कान पकड़ कर लात मार के भगाऊंगा, समझा? ठीक है, तुम आ तो गए लेकिन क्या करते हो देखते हैं। अगर भूत नहीं भगा पाए ना। अरे बेटा, मेरी बात पर भरोसा रखो, उस भूत को पकड़ कर कन्याकुमारी छोड़ कर आऊंगा। अच्छा, तुम दोनों के बीच संबंध तो बनाना। हाँ भाई, ये तू कैसे जान गया? कैसे नहीं जानूंगा, एक बकरा लग रहा है और एक शेरनी लग रही है। ये 16 साल की लग रही है और तू 40 साल का। छी, सही कहा ना? इस पर ध्यान मत दो, आप अंदर आइए ना। मैं क्यों ध्यान दूंगा। कालाबाजी, शंगूर बाला, काबलगाड़ा, परक के नोड़ा, चिंचलवाड़ा, बह बह, ओम तम लम नम बम यम अम, मरो मरो मरो। कौन मरेगा? आ गया तू, दो मिनट चुप नहीं रह सकता, मुझे भूत बुलाने की इतनी टेंशन है और तू आ गया बीच में ज्ञान देने के लिए। ओ, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कब से मरो मरो कह रहे हो? एक मिनट रुको डार्लिंग गीता। ये किसको बुला रहा है? आई मैं डार्लिंग। मैं आ गई। यहाँ विराजो। सिर्फ तुम ही बुला सकते हो क्या? इंदर डार्लिंग। मैं आया डार्लिंग। ए, मैं आ गया। यहाँ बैठो बैठो। अरे भैया, ऐसे बुलाया जैसे कौवे को खाना देते हैं। अच्छा, इनको भाड़े पे घर दिया है क्या? पागल कहीं का हैं? गीता डार्लिंग कहा तो फट से आ गई। ये कोई भूतनी है, इसको बुलाकर नचवा क्यों नहीं रहा है? मिले जो हम तुम इस तरह, डिंग 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 डिंग, सोया सब अरमा जगा है, डिंग 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 डिंग, ऐसा करवाना चाहिए था ना। तुझे किसने बोला कि आके भूत भगा? तू ही तो आके बीच घर में बैठ गया। भगाऊंगा भगाऊंगा कह रहा था ना, ले आ गए, भगा के दिखा। छी, कोई मुझ पे विश्वास ही नहीं कर रहा। कोई इंसान है तू? वो सब छोड़ो, ये बता, तुझे देखकर लग रहा है तूने बकरे का मांस खाया है, तू तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को देखकर लग रहा है कि 10 दिन से कुछ खाई नहीं है। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे
ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? हाँ? इसने एक दिन भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया। ये है भूत, भूत, भूत का बच्चा। और ये कोई काम है क्या? इसने तो मुझे एक वड़ा भी खाने नहीं दिया। बड़ी भूतनी। अरे भाई, ये कौन सा वड़ा खाती है? मसाला वड़ा या मेंदू वड़ा? पहले इनका मुंह तोड़ो। ये कोई काम है क्या? इसने बाथरूम में क्या किया मैं बताऊं? बताऊं क्या? नो, अरे रे रे, नो। ए, बाथरूम में क्या किया? जल्दी बता। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। बता। इसने अपनी चड्डी उतार के, हाँ, चड्डी उतार के, उतार के, उतार के, हाँ, मुझे साफ करने को दिया। ये कोई अच्छी बात है? ए, लूज कैरेक्टर, तुझे पता नहीं कब क्या बोलना है? अभी मेरा दादा जिंदा होता ना तो तेरे इस मुंह पे सेलो टेप चिपका देता। अब वो सब छोड़ो, इन दोनों को घर से बाहर निकालना है बस। वो सब मैं कर दूंगा, आराम से बैठो। नातन रंग नगर, नारायण नरशेद, इस घर से इन प्रेमियों को खदेड़ दो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। खदेड़ दो, खदेड़ दो। हम इस घर से चले जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा घर में खुश रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में तुम दोनों ने टांग क्यों उड़ाई? ऐसा नहीं है, हम दोनों इस घर में ही मरे हैं। हम नहीं चाहते तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। तुम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। सुनो बेटा, ये जो जगह है जिंदा लोगों के लिए है। आप दोनों मर चुके हो, आप चले जाओ, मेरी प्रार्थना है। हमने देखा है जब लोगों की जिंदगी में समस्या आती है तब वो अलग हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इतनी समस्या आने के बाद भी तुम अलग नहीं हुए। हम दोनों तुम्हारे लिए समस्या है, तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम दोनों की वजह से तुम लोग कभी अलग नहीं होना, प्लीज। भगवान ने हमें तो जिंदगी नहीं दी, लेकिन आप लोगों को दी है, इसलिए आप लोग खुशी खुशी इस घर में रहिए, हम लोग चले जाएंगे। जाके आता हूं वैष्णवी।
क्यों रोका बेटा? रहने दो, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ स्वामी जी, इन्हें यही रहने दो। एक दूसरे को पसंद ना करने वाले लोग इस घर में रहके क्या करेंगे? इससे अच्छा वो लोग यहाँ रहे, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे हम दोनों की शादी जरूर हुई है, लेकिन पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, इसलिए। जब एक दूसरे को समझते ही नहीं है तो साथ में रहके क्या करेंगे? हमें ही जाना चाहिए। इंदिरन और गीता, वो लोग बस एक साथ रहना चाहते हैं। वो दोनों भले भूत हैं, लेकिन चाहत तो है उनके दिल में। आपने उन लोगों को जाने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने हमसे एक बार भी नहीं कहा कि चले जाओ। अब आप ही बताओ कि हमें इंसानियत कहाँ है, हमें यहाँ रहना चाहिए? नहीं, हम जाएंगे। माफ करना स्वामी, माफ करना। बेटा, तुम लोग हमेशा खुश रहना। ये लड़का तो बहुत बड़े दिल वाला निकला। हे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। चाहूं वही जो चाहे तो यार, परसों से थी तेरी कमी, दूर ना हो ये जज़्बा।